अब आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आपको जोन के अंदर आना और वहां से अपने आपको सर्वाइवल गेम प्ले खेलना है। फिलहाल की टीम आई भी जोन के अंदर है एंड कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आपने जैसे बात करी तो टीम आई भी काफी कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर स्लैब निकालता हुए नजर आए। नियो को बिल्कुल भी यहाँ पर अंदाजा लिख पाया। गेल ने भी कोशिश काफी करी, लेकिन शायद यहाँ पर जूसी आ सकते हैं और हो सकते हैं कि एक सडनली अटैक कर सकते हैं, बट ये कार ब्लास्ट करना बहुत जरूरी, लेकिन ब्लास्ट करेंगे तो खुद भी मारे जा सकते हैं उसले। या, बट यहाँ पर सोल के पीओपी को नॉक करा जाता है एडविट के सुनामी के द्वारा, तो गोडल गिल को काफी ज्यादा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। जूसी अभी रुकनी, अभी बिटा करने की कोशिश यहाँ पे उनकी तरफ से आपको देखने को मिलता है। ही गॉट द फिनिश एज वेल, बट यहाँ पे सोल प्लेयर 3 खत्म करेंगे मेरे ख्याल से एक और प्लेयर को। गॉडल गिल ने सोल पीओपी का फिनिश स्टील जरूर किया है, बट गिल को जूसी टेकडाउन करते हैं। नीड एक शानदार नीड, एक और नीड यहाँ पे आ सकता है। आई मीन एक जगह अगर एक नेट आता है एक और आ सकता है। जूसी एंड सुनामी दे आर जस्ट अमेजिंग। सुनामी नीड जरूर कुक करा है, जरूर डाला गया है, क्या कनेक्शन ढूंढेगा। गॉब्लिन निकल चुके हैं और ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट रहेगा कि यहां से टीम सोल सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अगर गॉब्लिन नॉकआउट होगी तो मुश्किलें बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि वहां से वो सटीक वो ग्रेड फेंक रहे बार बार, बट स्मोक क्रिएट कर रहे हैं। ये एक अच्छी थिंकिंग गॉब्लिन के द्वारा। अब विजन ब्लॉक कर दिया गया है, अब रहेगा टारगेट यहाँ पर कि यहाँ पर निकाले एडमिट के उस आखिरी खिलाड़ी को। सुनामी को और अक्षत की तरफ से भी काफी अच्छा कवर फायर मिलता हुआ नजर आएगा। इस बार कोई चूक नहीं होगी, बट अब चैलेंज है। टॉप 4 तो आ चुके हैं, लेकिन अब जो चैलेंजेस पे रहो वो है ऑरेंगजेन का, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, का यहाँ पे फिनिश निकाल दिया जाएगा जुगर के द्वारा। एक हार्ड पी क्या बैच की तरफ से देखने को मिल रहा है, बेहतरीन हार्ड पी। दिस इज जस्ट अमेजिंग कमिंग इन फ्रॉम ओजीएस। जनरली एफपीपी में होता है कि हार्ड पी का आप लेके बैठते हैं, गॉब्लिन स्टेट अवे रश करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए उनको भी स्टेट अवे नॉक कर दिया जाएगा। क्या ये जरूरी था टीम सोल की तरफ? देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, इस पर जैसे आप बोल रहे ना कि कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ नया ट्राई तो करना पड़ेगा, बट इसी बीच में जो देख पा रहा हूं दो ही खिलाड़ी मात्र बचे हुए और जोन के अंदर है स्पिरो शायद। टीम सोल जोन के अंदर है, गॉब्लिन को जरूरत नहीं थी आई थिंक जोन के बाहर जाके उस कंपाउंड पे रश करने की। आई थिंक वो थोड़ा सा एक ज्यादा अग्रेसिव मोड था। आपके नंबर्स गेम आपने कबाद दिया, यहां पे एडमिन को शायद नॉक निकाल सकते हैं। आश शानदार पोजीशन दोबारा यहां पे मेरे ख्याल से पिक करते नजर आएंगे। एक के एम को स्विच करते हैं अब एक M4 में और बैंडेज लगाएंगे। अक्षत भी थोड़ा सा एक एडवांस पोजीशन यहां पे ले चुके हैं, जैसे ही घर से कोई बाहर आने की कोशिश करेगा उनको टेक डाउन करा जाएगा, बट ये चिकन जा चुका है। आई थिंक ये चिकन एक सोल चिकन साबित हो सकता है, इसी के साथ शायद नंबर 1 पोजीशन टीम सोल के पास जा सकती है। बिल्कुल ये फिनिश भी उनके नाम जाएगा, और अगर ये चिकन आता है तो कितने अंक आएंगे मैं एक बार जरूर देखूंगा, मैं रॉ कैलकुलेशन भी जरूर करूंगा और दर्शकों से बोलूंगा कि आप भी कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि उस खिलाड़ी को वो फिनिश आप निकाली वो इंपॉर्टेंट फिनिश बन सकता है, बट प्लीज जोन अपना रोल निभाएगा और वो अपने खाते में अपने फिनिश निकालते नजर आएगा। लेकिन ये टीम चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएगी, मतलब एटलीस्ट जो आज जो एक सूखा नजर आ रहा था चिकन डिनर का वो टीम सोल के पास जाता नजर आएगा। एंड स्पिरो कितने फिनिश निकाले गए थे, 8 या 9 फिनिशेस।